चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल हैं। निकाय चुनाव में प्रत्याशी चुनने के फॉर्मूले पर ये चर्चा हो रही है। तो अहम खबर जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की ये अहम बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ ही आपको बता दें कि इसमें राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी इस बैठक में मौजूद हैं। सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर ये अहम बैठक यहां पर हो रही है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले पर इस बैठक में चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और उसी क्रम में बीजेपी की यह अहम बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि मोहन जी, कितनी अहम इस बैठक को माना जाए निकाय चुनाव से ठीक पहले? देखिए, निकाय चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी है। पूरे प्रदेश में 16 नवंबर को निकाय चुनाव है। ऐसे में तैयारियां अब रफ्तार पकड़ने लगी है और इसी सिलसिले में आज ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें अरुण चतुर्वेदी हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और साथ में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद हैं। ओंकार सिंह लखावत इस बैठक में मौजूद हैं और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बैठक में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं की राय ली जा रही है। अब से पहले तक किस तरीके से काम होता आया है, अब कैसे काम होगा, समितियां बनाई जाएंगी, अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी जो इस पूरे काम की निगरानी रखेंगी कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी कैसे तय किए जाए। खासतौर से जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, कैडर का कार्यकर्ता है, उसका ध्यान रखा जाएगा कि उसको पूरी तरजीह दी जाए। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश होगी। शहरी निकायों में बीजेपी वैसे भी अपना अच्छा आधार बताती आई है। साथ में एक पहलू इस बात का भी होगा कि अगर आरएलपी से किसी जगह पर गठबंधन करना है तो उसकी क्या सूरत होगी, करना भी है या नहीं करना, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी अपने आप को पहले से मजबूत मानती आई है। ऐसे ही तमाम पहलू हैं जिन पर अभी इस बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही शशि मोहन शर्मा जी, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से उपचुनाव के अभी नतीजे आए हैं, सिर्फ और सिर्फ खींवसर सीट बीजेपी जीत पाई, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आरएलपी का वहां पर गठबंधन था और नागौर और जो मारवाड़ का जो इलाका है वहां पर आरएलपी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और निकाय ये उपचुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी का जो अस्तित्व है वहां पर उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि अब ऐसे में जो परिस्थितियां अभी राजनीतिक परिस्थितियां जो राजस्थान में बीजेपी के लिए बनी हुई हैं, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव एक चुनौती है बीजेपी के लिए और साथ ही साथ नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की भी ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी? देखिए, भले बीजेपी केंद्र में सरकार में हो लेकिन राजस्थान में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ निकाय चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसको एक बड़े चैलेंज के रूप में देखा जाना चाहिए। सतीश पुनिया, हालांकि दो चुनाव हो चुके हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, लेकिन पहली परख सीधे तौर पर देखा जाए तो ये निकाय चुनाव की होगी। लेकिन एक बड़ी चिंता बीजेपी के लिए यह भी है कि आमतौर पर निकाय चुनाव में जनता बहुत समझदारी के साथ वोट करती है और उसी पार्टी को तरजीह देती है जिसकी राजस्थान में सरकार होती है, क्योंकि निकाय चुनाव का सीधा निकाय का सीधा तालमेल सरकार से होना चाहिए, बजट और दूसरी संसाधनों की जरूरत के लिए। ऐसी सूरत में बीजेपी को लोगों के बीच जगह बनाना, अपने विचार को स्थापित करना, 370 अनुच्छेद जो हटाने का मुद्दा था जिन पर बीजेपी अब तक मुखर होती रही, वो मुद्दे विधानसभा चुनाव में ज्यादा काम नहीं आए। ऐसे में अभी निकाय चुनाव में ये मुद्दे कितने असर करेंगे और अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरे कौन से मुद्दे पार्टी लेकर के आएगी, इस पर भी मंथन है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो राज्यों पर हावी नहीं हो सकते और थोपे नहीं जा सकते। अब देखना होगा कि किस रणनीति